फिल्मी फीवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो हम सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की शुरुआत की, कैसे शुरू हुई ये फिल्म आपके लिए? जी पिछले साल बहुत ही सिंपल सी बात थी। आई गॉट अ कॉल, राकेश मेहरा के ऑफिस से फ़ोन आया था और उन्होंने बोला हमसे कि हम पिक्चर बना रहे हैं रंग दे बसंती और आप ऑफिस पे आ सकते हैं और शायद हम आपको एक दो सीन्स दिखा देंगे और एक कैरेक्टर है एक इंडियन यंग गर्ल का, तो अगर आप एक छोटा सा स्क्रीन टेस्ट कर लेंगे हमारे लिए तो देन वी कैन सी। तो आई न्यू दैट इट वाज अ इम्पोर्टेंट फिल्म जिनमें आमिर खान भी थे, लेकिन आई डिडंट नो इसके बारे में कहानी क्या थी और हमारा रोल क्या था। सो हम राकेश मेहरा के ऑफिस पे गए, उनके साथ मुलाकात किया और कुछ बातचीत किया फिल्म के बारे में। उन्होंने हमें दो तीन सीन्स दिए और ही हैड अ हैंडी कैम, वी डिड अ स्मॉल लिटिल स्क्रीन टेस्ट, बस आई थिंक इट वेंट वेल। I got the sense from him के यू नो अच्छा चला और वो शायद इंटरेस्टेड थे। He told me a little bit more about the film और दो दिन बाद वो उन्होंने ऑफर किया था हमें रोल और डेट्स के बारे में बातचीत हुई। It's quite straightforward। जब आपने इस फिल्म के बारे में सुना, क्योंकि जब मैंने सुना था पहली बार तो मुझे लगा था एक पीरियड फिल्म है ये जी, तो आपका क्या रिएक्शन था? जी आई थिंक टाइटल से जब लोग टाइटल सुनते हैं तो शायद यू नो इम्प्रेशन लगता है कि वो शायद एक पीरियड फिल्म है, रेवोल्यूशनरीज के बारे में है, लेकिन हमने भी ये सोचा था। लेकिन सबसे पहले हमने जब राकेश के साथ हम बैठे थे और स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे ये कहानी, तो दो मिनट में मैं समझ गई कि बहुत ही कंटेम्प्रेरी फिल्म है, बहुत ही वेरी फर्मली सेट इन 2005-2006, जो बहुत ही अर्बन यूथ की जो इश्यूज़ हैं, जो जैसे कि हम हमारे जो दोस्तों हैं, बहुत ही रियल फिल्म है, जो इश्यूज़ हम डील करते हैं, द इश्यूज़ दैट वी फेस, द थिंग्स दैट वी शुड बी थिंकिंग अबाउट इवन इफ वी डोंट थिंक अबाउट देम, इट डील्स विद दोज इश्यूज़। स्क्रिप्ट में ऐसा क्या था जिसने कन्विंस किया कि हाँ मुझे ये फिल्म करनी है हर हालत में, ऐसा क्या था स्क्रिप्ट? जैसे आपने कहा, सबसे अहम चीज़ हमारे लिए स्क्रिप्ट ही था। स्क्रिप्ट हमें बहुत पसंद आई और जो कहानी थी स्क्रिप्ट में और जो मकसद था इस फिल्म का, हमारे लिए बहुत ही अहम चीज़ थी ये। आई रियली थिंक कि मेरे मन में ये फिल्म बहुत ही ओरिजिनल है। आजकल जब देखते हैं फिल्मों तो शायद बहुत से फिल्म रीमेक्स होते हैं, दे बी बिगर, बेटर, मोर कलरफुल, बट एसेंशली दे बी रीमेक ऑफ अ फिल्म। इसमें जो आइडिया है, बेसिक आइडिया है, बहुत ही ओरिजिनल है, तो ये हमें पसंद आई, सबसे पहली बात ये है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट, हमारा जो रोल था हमें बहुत पसंद आया। इस फिल्म इज़ एसेंशली अबाउट 4-5 बॉयज, यू कैन सी के बहुत से लड़के हैं इस फिल्म में, लेकिन एक ही हिंदुस्तानी लड़की है प्रिंसिपल एक्टर्स में, तो ये हमें पसंद आया। हमें लगा कि स्कोप था इस फिल्म में हमें परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा ऑफकोर्स द पीपल हु आर वर्किंग ऑन दिस फिल्म, जो लोग इस फिल्म पर काम कर रहे थे, सच वेटरन पीपल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, बी एड राकेश मेहरा, बी एड विनोद प्रधान, बी एड ए आर रहमान, बी एड आमिर खान, अतुल कुलकर्णी, जो इस फिल्म की कास्ट है, वहीदा रहमान, ओम पुरी, तो जब इतने सारे यू नो एक्सपीरियंस लोग हैं इस फिल्म पर, तो आई फेल्ट आई कुड लर्न अ लॉट फ्रॉम इट।